नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा होगा जिसमें मैंने कहा है कि अगर यूपी पीसीएस 2024 में आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो 25 में भी पीसीएस बनने की संभावना नहीं है। ये बात मैं समझाऊंगा आपको कि मैं ऐसा मैंने क्यों कहा। इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाए इसके लिए एक छोटी सी कहानी आपका जानना जरूरी है। कहानी बहुत साल पहले की है। एक मंदिर था, बहुत ही भव्य मंदिर, वहां पर बहुत सारे पुजारी काम किया करते रहते थे। एक दिन एक पुजारी को सपना आता है कि भाई, जो मंदिर है, जो जिस देवता का मंदिर है, उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं कल साक्षात मंदिर में आऊँगा। अब जैसे पुजारी ये देखता है, सुन मतलब सपना देखता है, तो अगले दिन अपने सभी पुजारियों को वो बात बताता है। सब लोग तैयारी करना शुरू करते हैं कि यार क्या बात है, भगवान दर्शन देने आ रहे हैं। पूरी तैयारी होती है, सजाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। अब करते करते वेट होता रहता है, होता रहता है, शाम हो जाती है। शाम के बाद रात होना शुरू हो जाती है। अब सब इंतजार कर रहे हैं पर भगवान प्रभु प्रकट नहीं हो रहे हैं। करते करते रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। धीरे धीरे जो पुजारी हैं उन सबका हौसला टूटना शुरू होता है। अब धीरे धीरे नींद भी आना शुरू होती है, क्योंकि दिन भर काम किया था तो नींद आने लगती है। और करते करते सब सोना शुरू कर देते हैं। 3 साढ़े 3 बजे तक सब लोग सो जाते हैं। जब सब सो जाते हैं तो लगभग 4 बजे प्रभु का रथ नगर में एंटर करता है और धीरे धीरे करके मंदिर की तरफ आने लगता है। अब रथ की जो आवाज है वो इन पुजारियों के कान में जाती है, तो इसमें से एक पुजारी जो है सोते सोते ही बोलता है कि अरे लगता है कि रथ आ गया है, प्रभु आ रहे हैं। तो दूसरा आदमी बोलता है अरे चुप हो जाओ यार, बकवास कर रहे हो, सो जाओ, नींद डिस्टर्ब कर रहे हो। अब धीरे धीरे रथ आ रहा होता है, इतना पास होता है कि मंदिर के पास आ जाता है। जैसे ही रथ रुकता है तो एक और पुजारी बोलता है लगता है कुछ कोई आया है, जिसका हम वेट कर रहे थे वो आ गए हैं। दूसरा बोलता है अरे तुम दिमाग खराब है क्या, ये तो बादल के गड़गड़ाने की आवाज़ है, तुम फालतू में, तुम्हें रथ लग रहा है तुम्हें। प्रभु उतरते हैं मंदिर में और मंदिर में आकर वो चले जाते हैं। मतलब जो भी उनको करना था वो आए और चले गए। सभी पुजारी सोते रहते हैं। अगले दिन जब सब पुजारी जगते हैं तो देखते हैं कि प्रभु के पैर के जो निशान हैं वो वहां मंदिर के पास बने हुए हैं। अब जैसे देखते हैं कि पैरों के निशान हैं, रथ के पैरों पहियों के निशान हैं, तो ये सबका दिमाग खराब और सब अब छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि अरे हमसे कितनी बड़ी चूक हो गई, कितनी बड़ी गलती हो गई, कि भगवान आए और जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वही दर्शन देके चला गया और हमें हम सोते रह गए। अब कुछ ना ऐसे ही आप लोगों की भी स्थिति है कि मौके जीवन में आते रहते हैं, बट जो बेहोशी है, बेहोशी हो जाती नहीं है। और चूंकि आप बेहोश इतने रहते हो कि मौके आप पहचान नहीं पाते हो। अब चाहे प्रभु से मिलने का मौका हो, चाहे पीसीएस बन जाने का मौका हो, वो मौके आप पहचान नहीं पाते हो, सिर्फ छाती पीटते रहते हो, कुछ नहीं होता है। पिछले 5-6 साल के बाद यूपी पीसीएस के अंदर 2024 में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है। 2018 में वैकेंसी आई थी, 950 वैकेंसी आई थी, और उसके बाद लगातार 4-5 साल जो है वो 300, 350, 400, 500 वैकेंसी रही है। लेकिन 2024 में जो है माना जा रहा है कि 800, 900 या 1000 तक की वैकेंसीज हो सकती हैं, आएंगी, बहुत बहुत पॉसिबिलिटी की आएंगी। अब क्या है कि अगर आपने 1000 वैकेंसीज में भी अपना प्री में सिलेक्शन नहीं करवाया, मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आपका पीसीएस बन जाओ, मैं तो पहला स्टेप की बात कर रहा हूँ। अगर 1000 वैकेंसीज में भी आपका प्री नहीं निकला तो क्या गारंटी है जब अगले साल 25 में वैकेंसीज कम आएंगी, क्योंकि एक साल जब ज़्यादा आ चुकी है तो अगले साल पक्का कम आएंगी, तो आपका क्या होगा? जब आप 10,000 लोगों में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो क्या गारंटी है कि 5,000 लोग सेलेक्ट हो जाओगे? जब आप अभी तक बेहोश हो तो क्या गारंटी है कि आप उस समय होश में आ जाओगे? मौके आपके सामने आते हैं, मिल रहे हैं आपको, आप देख भी रहे हो। जिस तरह से ना होता ना कि आंख खोल कर बेहोश हो जाना, कुछ स्थिति ऐसे ही आप लोगों की भी है, आंख खोल के बेहोश हो जाना। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप आंख खोल के बेहोश रहना कोई बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब देखिए ना, कोई एक व्यक्ति अगर नशे में है तो वो उसको क्या बोलोगे? होश में तो नहीं आएगा ना, उसे बेहोशी कहोगे ना, भले वो जग रहा है, देख रहा है, लेकिन आप उसे तो बेहोशी बोलोगे, आप उसे लड़ोगे तो नहीं, ठीक है? तो कुछ इस तरह से स्थिति आपकी भी है कि मौके हैं पर प्रॉब्लम ये है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें। अब
आपको लगता है कि चीज़ें घटित हो जाए, असल में हुआ यह है कि इतनी सारी चीज़ें आसपास हो रही हैं आपके जीवन में, आपके पर्सनल लाइफ में और सोशल मीडिया में, कहीं ना कहीं इस चीज़ ने आपको बिल्कुल एक सुन्न कर दिया है, मतलब उतना कि दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाना। अब वो सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। पहले था कि मोबाइल नहीं था ज़्यादा तो थोड़ा सोच समझ लिया करते थे, अब तो सोचना समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। अब बस मोबाइल की स्क्रॉलिंग होती है, वीडियोस भी चलते ही चलते चलते हैं और दिमाग जो है वो एक्टिवली सोच नहीं पाता है। और यही कारण है कि आप लोग, वो पता है कि अच्छा मौका है, पीसेस की तैयारी करनी है, सब कुछ करना है, कि आप कर नहीं पा रहे हो। तो कहते से तो ये होना चाहिए कि अब आप लोग एक सही प्रोसेस को अडॉप्ट करो और तैयारी करो, मौका जो आ रहा है वो मौके छोड़ो ना। ठीक है, आप खुद कर सकते हो, कर लो। आप नहीं कर पा रहे हो तो मुझसे अगर बात करना चाहते हो मुझसे बात कर लो, मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा, बता दूंगा, आपके हिसाब से स्ट्रेटजी बता दूंगा, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके हिसाब से बेहतर तरीके से रिजल्ट कैसे पा सकते हैं वो सब मैं गाइड कर सकता हूँ आपको। तो नंबर मैंने दिया हुआ है, आप नंबर पर कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, 5-10 मिनट बात करेंगे, संभवतः कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि बात करने से ही बात बनेगी। और आप लोग जो सुन्न हुए हो, मूर्छित हो, बेहोश हो, तो वो मूर्छा बात करने से ही जाएगी, क्योंकि घर में लेटे लेटे मोबाइल देखने से आप पीसीएस तो बनने वाले नहीं हो। पीसीएस बनने के लिए आपको कठोर, एक बहुत ही कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, लेकिन सब वो स्टेप्स तब आएंगे जब आप अपना बेहोशी का आलम छोड़कर होश में आओगे और होश में काम करोगे। तो थोड़ा सा होश में आने का वक्त आ गया है, अन्यथा सिर्फ पछताने के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। तो नंबर मैंने दिया हुआ है, आप नंबर पर कॉल कीजिए, बात कीजिए, कुछ रास्ता निकालते हैं, क्योंकि अगर 24 निकल गया तो 25 निकलते हुए देर नहीं लगेगी, और इसी तरह से पूरा जीवन निकल जाएगा और आप बस हाथ मलते रह जाओगे। तो हाथ मत मलिए, या तो पीसीएस की तैयारी छोड़ दीजिए या कैदे से कर लीजिए। अगर छोड़ना है तो पलट के भी इधर मत दिखिएगा, ठीक है, और करना है तो फिर करना करेंगे फिर, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो लोग पीसीएस नहीं बनते, बल्कि धैर्य रखने वाले लोग पीसीएस बनते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, आप देखेंगे कि रिजल्ट्स जो हैं वो आपके फेवर में ही आएंगे। थैंक यू दोस्तों।